बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की जो मतगणना है वो आज शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर जो मतगणना है वो आज होनी है। वहीं हिमाचल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हिमाचल की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना जो है वो शुरू होगी 8 बजे से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये ब्रेकिंग आपको बता दें, आज आएंगे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जो है वो आज आएंगे, साथ ही 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की आज घोषणा होगी। लेकिन उससे पहले हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा जनता टीवी। और ये विशेष व्यवस्था जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं किस तरीके सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और धीरे धीरे किस्मत का फैसला जो जनता जनार्दन ने ईवीएम में कैद किया है वो सबके सामने होगा। और आज तय हो जाएगा कि आखिर जनता का जो सिरमौर है वो किस कौन बना है। जाहिर तौर पर दादर नगर हवेली लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आ जाएंगे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 30 तारीख को आपको बता दें कि वोटिंग जो है वो हुई थी और आज उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आज आने जा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर, और ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे आज। जी हाँ, इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे और बेहद महत्वपूर्ण रोचक स्थिति। यहाँ पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के लॉ भवन में मतगणना होगी। और सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर इलाहाबाद में 16 चरणों में ये मतगणना जो है वो होगी। इस वक्त की ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, 1 राउंड में करीब 40 ईवीएम की जो गिनती है वो की जाएगी और लगभग 16 राउंड ऐसे होंगे। तो 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो है वो आज ईवीएम से निकलकर सबके सामने होगा। तो इलाहाबाद उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आज सबके सामने होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से वोटों की जो गिनती है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रही। और चलिए इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, आपको बता दें बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। जी हां, सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं, यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे, बड़ी जानकारी। एंट्री गेट पर 3 लेयर तैनात जो सुरक्षा है वो यहां पर की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, तो बिना पास वाले व्यक्ति की जो एंट्री है वो यहां पर नहीं होगी। तो सुरक्षा का घेरा यहाँ पर चाक चौबंद। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बने लॉ भवन में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर वोट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन में से वोट की गिनती शुरू होगी। तो कुल 16 राउंड में मतगणना होगी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, क्योंकि कुछ देर बाद आपको तस्वीरें भी सबसे पहले जनता टीवी पर हम दिखाने शुरू कर देंगे। और उससे पहले किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई है मतगणना केंद्रों पर, उसकी स्थिति भी आपको पल पल अपडेट आपको देते रहेंगे। तो सभी 19 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम की मशीनों में कैद हो गई है, जिसका फैसला आज यहाँ पर घोषित होने वाला है। और ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल नतीजे का आज का दिन और बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में कि आज जनता जनार्दन ने जिस पर अपना फैसला रखा है वो आज सबके सामने यहाँ पर आने वाला है। फिलहाल आप बताइए कि किस तरीके की व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था वहां पर की गई है और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पवन जी, बिल्कुल, इलाहाबाद उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे और जो मतगणना है वो 8 बजे शुरू होनी है। उससे पहले जो 30 तारीख को जब मतदान हुआ था तो इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के 1,51,530 के करीब मतदाताओं ने अपना वोट डाला था, यानी जो वोट प्रतिशत था वो 81% से भी ज्यादा रहा था। और आज ईवीएम जो है वो 8 बजे खुलना शुरू होगी।
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का जो लॉ भवन है वहां पर जो है वो मतगणना केंद्र बनाया गया है, और इस वक्त मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद हूं। आपको यहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिखाना चाहूंगा कि देखिए आप किस तरीके से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी भी तैनाती है, हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती है। एक तरह से आप जो प्रशासन है उनका ये दावा है कि थ्री टायर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रखी गई है। थ्री टायर सुरक्षा व्यवस्था में पहले जो है वो पहली जो लेयर है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बाद हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान है, और उसके बाद हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती है। तो ये जो है वो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर का जो मुख्य गेट है, जो मतगणना केंद्र जो है वो इस देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर जो है वो लॉ भवन में बना हुआ है। तो थोड़ी देर बाद जो है वो अंदर एंट्री मीडिया को मिलने की जानकारी मिल रही है, लेकिन फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ से जो है वो अंदर एंट्री होनी है। एंट्री गेट आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव हुआ है उसमें लोगों ने क्या मैंडेट दिया है ये तस्वीर आज 12 बजे तक जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। और 30 तारीख को जब मतदान हुआ था तो 81% से भी ज्यादा लोगों ने अपना वोट जो है वो डाला था, और आज जो है वो नतीजे आने शुरू होंगे। 8 बजे जो है वो मतगणना शुरू होनी है, पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती होगी, और उसके बाद जो है वो ईवीएम खुलेंगी, और 16 राउंड जो है उसमें ये मतगणना होनी है। 16 राउंड में जो 16वां राउंड है उसमें एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ ईवीएम जो है वो आधी ईवीएम रहेंगी, बाकी 15 राउंड में लगभग जो है वो मतगणना पूरी हो जाएगी। 16वें राउंड में कुछ ईवीएम जो बाकी रहेंगी उनको खोला जाएगा। तो जो चरण हैं वो 16 चरण रहेंगे मतगणना के, लेकिन पूरी तरह से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। इंतजाम जो है वो पुख्ता नजर आ रहे हैं। थ्री टायर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मतगणना को लेकर की गई है। साथ ही साथ जो राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के जो यहाँ पर मतगणना के लिए जो चुनाव एजेंट बनाए गए हैं उनकी एंट्री लगभग हो चुकी है। उनकी अंदर जाने के बाद उनकी सहमति के साथ ही जो है वो मतगणना शुरू होनी है। तो निश्चित तौर पर आज के लिए जो है वो बड़ी अपडेट जो है वो यही रहेगी कि एलनाबाद के जो लोग हैं उन्होंने इस उपचुनाव में अपना मैंडेट किसको दिया है, किसकी किस्मत जो है वो चमकेगी और किसकी दिवाली मनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। 12 बजे तक जो है वो तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। 1,51,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, वोट प्रतिशत 81% से ज़्यादा रहा है, और अभी जो है वो जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी उसके बाद जो है वो रुझान आने शुरू होंगे, और ये माना जा सकता है कि 9 बजे के करीब जो है वो पहला बड़ा रुझान क्या रहेगा वो देखने को मिलेगा। और हम यानी जनता टीवी जो है वो लगातार पल पल की अपडेट एक एक जो है वो अपडेट यहाँ से अपने दर्शकों को दिखाएगा। पूरे जो है वो देश में कई राज्यों में जो है वो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा का उपचुनाव हुआ है, तो उसके आज नतीजे आने, और उसी कड़ी में आज एलनाबाद उपचुनाव का भी नतीजा आएगा, और देखने वाली बात रहेगी लोगों ने क्या फैसला जो है वो किया है। और एक बार फिर मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी आपको नज़र आ रही है। आप जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती है, हरियाणा पुलिस की तैनाती है, नाकेबंदी की गई है, जो है वो वाहनों को चेकिंग के बाद ही जो है वो एंट्री दी जा रही है। तो पूरी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, और देखना यही होगा कि जब रुझान सामने आएंगे तो रुझान में किसका पलड़ा भारी होगा और कौन जो है वो दूसरे नंबर पर होगा, तीसरे नंबर पर होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस उपचुनाव में 19 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में है, तो जो ईवीएम खुलेंगी उस ईवीएम में जो है वो 19 उम्मीदवारों का भाग्य जो है वो यहाँ के मतदाताओं ने 30 तारीख को कैद किया था, जो आज नतीजों के तौर पर सामने आने वाला है। और मतगणना जो है वो 16 राउंड में होगी, और 16 राउंड में मतगणना जो होनी है वो 8 बजे जो है वो शुरू होगी। जी चलिए, आपने ये भी बताया यहाँ पर पवन, क्योंकि स्थिति जो है वो कुल मिलाकर 12 बजे तक हाल फिलहाल ऐसा लगता है, क्योंकि 16 राउंड की जो गिनती है मतगणना की वो होनी है राउंड में, और हो सकता है कि जो 10वां राउंड है उसके बाद स्थिति जो है वो पूरी पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पर हो जाए। लेकिन वोट प्रतिशत जैसे कि आपने बताया, जिक्र किया, 81 से भी ऊपर जो वोट प्रतिशत यहाँ पर रहा है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव यहाँ पर हुए थे, हालांकि अभी तो उपचुनाव यहाँ पर उसके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, अगर उस पर नजर डालें, उसके वोटिंग प्रतिशत पर नजर डालें, तो क्या कुछ उसके मायने और समीकरण यहाँ पर निकाले जा सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए एलनाबाद उपचुनाव में 81% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है, लेकिन 2019 का विधानसभा का जो आम चुनाव था उसमें भी यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है वो 80 से ज़्यादा रहा है। 2014 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भी वोट प्रतिशत जो है वो 80% से ज़्यादा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो मतदाता है वो जागरूक है, यहाँ के मतदाताओं ने अपनी जो है वो इस मताधिकार का इस्तेमाल करने में पूरी रुचि दिखाई है, और यही वजह है कि 80% से भी ज़्यादा मतदान जो है वो इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है, और इससे पहले के 2019 या 2014 के आम चुनाव में भी यहाँ के मतदाताओं ने जो है वो रुचि दिखाते हुए मतदान किया है। लेकिन अब ये कई बार जो है वो जब राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जब ज़्यादा बड़ा जो है वो वोट प्रतिशत रहता है तो वो जो है वो जो मौजूदा प्रदेश की जो सरकार होती है उसके लिए संकेत ठीक नहीं होते हैं। ऐसी राजनीतिक जब विश्लेषण किया जाता है तो चर्चा की जाती है कि ये जो है वो लोगों में जो उत्साह था और जो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की है वो कहीं सरकार की मुश्किलें ना बढ़ा दे, इस तरीके की चर्चा रहती है। लेकिन अभी हमें उस चर्चा पर जाने की बजाय ये देखना चाहिए कि अब जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे 8 बजे, जब मतगणना शुरू हो जाएगी, तो असली तस्वीर क्या है, इस 80% से ज़्यादा का जो वोट हुआ है 30 तारीख को उसका रुझान किधर जा रहा है और कौन यहाँ पर बाहरी नजर आएगा, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मतदाताओं ने काफ़ी रुचि दिखाई है, 80% से ज़्यादा का मतदान हुआ है और दावे वादे सभी ने किए हैं। मतदान होने के बाद भी कहा गया है, अपने अपने जीत का दावा किया गया है, पहले चुनाव प्रचार में भी लगातार जो है वो दावे किए गए हैं। लेकिन एक बात ये जो है वो कही जा सकती है कि ये जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सीट जरूर रही है एलनाबाद जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में लगातार रही है। इससे पहले भी एक बार यहाँ पर जब उपचुनाव हुआ था तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश चौटाला 2 जगह से चुनाव लड़े थे और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ने के कारण एक सीट से उनको इस्तीफा देना था और उन्होंने एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया था। उसके बाद यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जो है वो पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे, पूरी सरकार जो है वो यहाँ पर जो है वो एक तरह से प्रचार में जुटी थी, लेकिन उस बार भी ये सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में गई थी। लेकिन इस बार समीकरण क्या होगा ये आज का जो रिजल्ट है वो बताएगा। गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा जो है वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जो मतदान हुआ था उसके बाद जनता टीवी ने जब बातचीत की थी तो गोविंद कांडा ने कहा था कि जो लोग हैं उन्होंने सरकार को चुना है, डेवलपमेंट को लोगों ने तरजीह दी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि नतीजे जो है वो उनके पक्ष में आएंगे। तो आज नतीजे आने हैं, देखने वाली बात रहेगी नतीजे किधर जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव प्रचार के दौरान पूरा दमखम दिखाती रही, लगातार ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो लोग खड़े हुए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सोमवार को चंडीगढ़ में जो बयान दिया है उस बयान के बाद जो है वो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस खुद ये मानकर चल रही है कि उनकी स्थिति यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है। इसीलिए कुमारी सैलजा का ये कहना था कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इंडियन नेशनल लोकदल ने ओछे हथकंडे अपनाए हैं। तो इस तरीके के जो आरोप लगे हैं नतीजों से पहले, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अपनी जो चुनाव प्रचार के दौरान मजबूत स्थिति बता रही थी उस स्थिति में नजर नहीं आ रही, क्योंकि नतीजों से पहले ही जब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए संतोषजनक नहीं है। इसीलिए इस तरीके की जो है वो बयानी कुमारी सैलजा ने की है। लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि जो नतीजे हैं वो आने के बाद या रुझान आने के बाद ही इसके ऊपर आगे चर्चा जो है वो की जाए। लेकिन 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 16 राउंड में मतगणना होनी है, तस्वीर 11 से 12 बजे के बीच में साफ हो जाएगी और एलनाबाद के इस उपचुनाव में जनता ने किसको मैंडेट दिया है ये देखने वाली बात रहेगी। दावे वादे जो है वो तमाम राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, उम्मीदवार भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपना क्या फैसला दिया है, लोगों ने अपना किसको मैंडेट दिया है ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल पवन, और ये एलनाबाद का उपचुनाव वो भी इसलिए रहा है क्योंकि अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था, जो कि मुद्दा जो है वो चुनावी प्रचार में भी जमकर उछाला गया। लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पर बताया है कि नैलो का गढ़ यहाँ पर रहा है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार ये जो यहाँ पर गोविंद कांडा कैंडिडेट है वो सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि गठबंधन के कैंडिडेट, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर उभरे हैं।
कितना ज्यादा बड़ी चुनौती या किस तरीके की संभावना यहाँ पर है कि अब क्योंकि गठबंधन यहाँ पर है, इनेलो का गढ़ कहा जाता है, इनेलो से टूटकर ही जेजेपी जो है वो निकली है और बीजेपी के साथ गठबंधन है। स्थिति यहाँ पर यह है कि आंदोलन जो है वो भी चल रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये उपचुनाव जो है वो यहाँ पर हुए, क्योंकि वहां से सीट से उन्होंने इसी आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था। कितना प्रभाव यहाँ पर इन सब परिस्थितियों का पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जो एलनाबाद का उपचुनाव है उसकी जो बड़ी वजह है वो यही कि यहाँ के जो विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के हित में समर्थन करते हुए इस्तीफा देने की बात की। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून है वो किसान के हित में नहीं है और किसानों का जो देश में आंदोलन चल रहा है उसका वो समर्थन करते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला या उनकी पार्टी घिरी हुई भी नजर आई। सरकार का लगातार ये हमला था कि जो अभय सिंह चौटाला ने जिस परिस्थिति में इस्तीफा दिया था, परिस्थिति आज भी वैसी ही है। तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हुए हैं, तो अभय सिंह चौटाला को मैदान में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा नहीं जाएंगे जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। तो ऐसे में जब स्थिति बदली ही नहीं तो फिर चुनाव मैदान में उतरे क्यों? इस मुद्दे के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल को घेरा गया, चुनाव प्रचार में लगातार हमले किए गए। दूसरी तरफ जो है वो सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे। सरकार ने कहा कि 7 साल से प्रदेश में सरकार में है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक यहाँ से लगातार चुने जाते रहे, इसी वजह से आपके क्षेत्र के लोग विपक्ष का शिकार है। तो ऐसे में सरकार के साथ आइए, आप सरकार को मजबूत कीजिए ताकि इस क्षेत्र की तरक्की हो। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार में लगातार यही हमला किया कि सरकार ने 7 साल में कुछ नहीं किया, पूरी तरह से विफल सरकार है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के हित की ये सरकार नहीं है। इस तरीके के जो है वो कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार में सरकार को घेरा, इंडियन नेशनल लोकदल को ये कहते हुए घेरा कि इससे पहले जब सरकार रही तब भी इस क्षेत्र का इंडियन नेशनल लोकदल ने विकास नहीं किया। तो ये चुनाव प्रचार की बातें थी, दावे थे, वादे थे, लेकिन अब जो है वो नतीजे सामने आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। करीब 9 बजे तक पहला रुझान जो है वो आप लोगों के सामने होगा, तो देखना होगा कि वो पहला रुझान जो है वो किस तरफ जाएगा, किसका पलड़ा भारी होगा। 3 उम्मीदवार जो है वो उनके बीच में बड़ा मुकाबला, मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, अभय सिंह चौटाला, गोविंद कांडा, पवन बेनीवाल, और इसके साथ साथ बाकी इस चुनाव में उम्मीदवार, कुल उम्मीदवार जो है वो 19 उम्मीदवार मैदान में है, और 151,530 वोट में से किसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं, किसके पक्ष में ये जो है वो नतीजे जाते हैं, ये जो है वो आज तस्वीर लगभग 11-12 बजे तक साफ हो जाएगी। जी चलिए पवन, लौटेंगे आपके पास और तमाम अपडेट्स जो हैं आपसे लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो वक्त है वो हम आपको यहाँ पर बता दें, क्योंकि 8 बजे वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी पहला राउंड जो है वो शुरू हो जाएगा। पवन लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस